आपके साथ। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का पूर्णिया आगमन हुआ। पूर्णिया इकाई के आम आदमी पार्टी के सदस्यों के साथ संवाद स्थापित कर संगठन की मजबूती पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहर के रंगभूमि मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद संजय सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह बताया कि आम आदमी पार्टी लोगों से बिहार में संवाद स्थापित करना शुरू की है। इसके बाद संगठन को मजबूती देकर चुनाव के रणनीतियों पर आने वाले दिनों में चर्चा करेगी। फिलहाल पार्टी सदस्यों को जोड़कर संगठन को मजबूती प्रदान कर रही है। सांसद ने यह भरोसा भी दिलाया कि आने वाले 3-4 महीनों में संगठन मजबूती के साथ बिहार में नजर आएगा। देखिए, अभी हम लोगों ने कल से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि, सत्याग्रह की कर्मभूमि चंपारण से अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद शुरू किया है। तो अलग अलग जोन में जाके कार्यकर्ता संवाद का हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया है। कल चंपारण में था, आज पूर्णिया में है, कल भागलपुर में होगा। सबसे पहले एक मजबूत संगठन के निर्माण की आवश्यकता है, जिस पर आम आदमी पार्टी जुट गई है। और इसके साथ जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं, जैसे कल हम लोग गए थे चंपारण, तो पता चला मोदी जी आए थे चुनाव प्रचार में, उन्होंने कहा था चीनी मिल में हम बैठ के चाय पियेंगे मीठी वाली। अब वो चीनी मिल बंद होने वाली है, वहाँ पर 2 कर्मचारी आत्महत्या कर चुके हैं। तो ये जो झूठे वादों के साथ जनता को छला जा रहा है बिहार के अंदर, आज जो बिहार पिछले कई सालों से शांति में जी रहा था, दंगे फसाद शुरू हो गए यहाँ पे, क्योंकि भागवत जी यहाँ कैंप करने लगे, वो प्रशिक्षण दे रहे हैं लोगों को नफरत की। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले एक मजबूत संगठन निर्माण करके, जनता के मुद्दों पर संघर्ष करके, तब हम चुनाव के बारे में निर्णय लेंगे। और कहाँ लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। बिहार में आम आदमी पार्टी एक मजबूत उपस्थिति आने वाले 3-4 महीनों में आपके सामने दर्ज कराएगी, ये मैं आश्वस्त कर सकता हूँ।